मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। बीएमसी ने बुधवार को शहर की सभी दुकानों और व्यापारी प्रतिष्ठानों को देवनागरी लिपि में मराठी में बड़े बड़े अक्षरों में साइन बोर्ड लगाने का आदेश जारी किया है। साथ में दुकानों की जो नेम प्लेट है वो मराठी भाषा में होना चाहिए। इस दौरान इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि अन्य भाषाओं की तुलना में मराठी भाषा में लिखे हुए शब्द बड़े बड़े अक्षरों में होना चाहिए। उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का फरमान ठाणे शहर में भी जारी किया गया है। मुंब्रा पुलिस ने अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नशीले पदार्थ, चोरी के कई मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। साथ ही एक अवैध रूप से मटका यानी कि जुआ का अड्डा चलाने वाले आरोपी को भी मुंब्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठाणे के घोड़बंदर रोड पर एक ट्रक और कंटेनर के बीच में जबरदस्त टक्कर हो गई है, जिसकी वजह से एक ट्रक पलट गया है। हालांकि हादसे में एक ट्रक ड्राइवर सिद्धेश्वर गिरी जो मामूली रूप से जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर की वजह से रोड पर काफी तेल बिखर गया था, लेकिन मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने इसे साफ कर दिया है। ठाणे के नागला बंदर खाड़ी में मछली पकड़ने गए बालाराम दास भोई 75 वर्षीय खाड़ी में डूब गए। घटना 3 अप्रैल की है, मगर कई दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक बालाराम दास भोईर का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अभी भी खाड़ी में सर्च ऑपरेशन जारी है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला कर दिया है। रात के समय गश्त के दौरान सोनाले गांव के पास पुलिस नायक रंजीत पालवे ने एक रिक्शा ड्राइवर को रोका और उससे पूछताछ की, तभी अचानक से इस रिक्शा ड्राइवर ने चाकू से हमला कर दिया। हालांकि आरोपी ड्राइवर उमर मुनीर शेख 53 वर्षीय को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।